देखो जी, व्लॉग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं और व्लॉग के कुछ पार्ट्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज़ है, तो ये व्लॉग मैच्योर ऑडियंस के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी को ऑफेंड करना नहीं है, तो व्लॉग को एंजॉय करे। सीधा चल ले तू भाई, इसको ये है भाई कि मुझे था। कि मुझे पेड़ के पास कुछ बैठा हुआ दिखा, तो इसको चार बार में नहीं दिखा, आखिरी बार में दिखा, कह रहा यू टर्न लेते हैं भाई। वहाँ तूने नोटिस नहीं करेगा भाई, चक्कर थी। अरे यार तू भाई मेरे भाई, मुझे वो मतलब नहीं है भाई, प्लीज मत चल भाई, मत चल, मुझे उतार दे यहाँ पे, मुझे आइसक्रीम वाले पे रोक दे भाई, मुझे रोक दे, मैं नहीं जा पाऊंगा। ले मैं रोक रहा हूँ। हाँ भाई मुझे रोक दे, मुझे रोक दे भाई, मैं नहीं, यार लड़ाई मत, नहीं नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारे अंदर उठी है चूल की, चलोगे जी हॉरर प्लेस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम सोच रहे थे कि अरावली हिल्स जाते हैं, लेकिन अरावली हिल्स का मेरे पीछे बैठे दोस्त ने एक ऐसी स्टोरी बता दी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ पे ना इसके दोस्त अक्सर जाया करते थे दिन में, लेकिन वो एक दिन गए रात को, तो उनकी ना गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ गई थी, तो अचानक से वहाँ पे सारे तो नेटवर्क चले ही जाते हैं, तो एक गाड़ी अचानक से पीछे से थोड़ी सी अलग हो गई, दूर रह गई। तो क्या हुआ उसके बाद, जो गाड़ी आगे चल रही थी उनमें से पहले तो जो बंदा पीछे बैठा था उसे आवाज़ आई हेल्प हेल्प, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी है सुन के। फिर उसे गाड़ी फील होने लग गई कि बहुत दब के चल रही है, मतलब उसे ऐसा फील हुआ कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा है। मेरे देखो भूल तो हम सारे भाई, मैं झूठी गानी नहीं सुना रहा हूँ। तो और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, ऐसा हमारे नून में एक और ने भी ये सेम चीज़ बताई है, और उसके बाद से वो कभी वहाँ पर रात को नहीं गए, तो इसलिए हमने अरावली का प्लान किया कैंसिल। ये देखो गूज बम्स भयंकर, तो हमने अरावली का प्लान कर दिया कैंसिल। लेकिन अभी हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, लोग कहते हैं वो भी थोड़ा बहुत हॉरर है, तो एक बार एक चूल है तो जा रहे देख के आते हैं क्या रहता है क्या नहीं। भाई फट रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि द्वारका सेक्टर 9 का भी अभी बात करते करते उन्होंने केस बताया। हमारा एक दोस्त है मतलब बचपन का ही, उसके कजन का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे पेड़ है कोई हॉरर, तो उसमें ना गाड़ियाँ मोस्टली होता चढ़ जाती हैं, और समझ नहीं आता मिस्ट्री क्या है। भाई मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बता क्या उसमें भी आया है, क्या सीन था, क्या सीन था बताना। वो शादी से आ रहे थे, रात को 2:30 बज रहे होंगे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी जो मिली वो पेड़ के ऊपर मिली थी, और उस लड़की की डेथ हो गई है, तो उसके बुआ का लड़का है वो, तो न्यूज में भी आ रखा है भाई। मेरी फट रही है कि मैं बहुत फटू, लेकिन हम पास नहीं गए तो भाई मैं दूर से आ जाऊंगा, ये कि थोड़ा सा थोड़ी सी एक चूल लेना वो कर दिया है भाई। इसने भी एक पॉडकास्ट में वहाँ की स्टोरी सुनी है, वो सुन लो, वो तो और डेंजर हो रही है। क्या थी भाई उसमें स्टोरी बताई थी कि अंकल आंटी कोई जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ सेक्टर 9 का द्वारका स्टेशन के साथ पास से, तो वहाँ पर पहले अंकल को एक औरत दिखी, तो उन्होंने सोचा कि इसकी हेल्प कर देते हैं, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी, पर आंटी ने उनको मना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं रोकनी। उसके बाद उस ड्राइवर के सामने वो एकदम से औरत आ जाती है और उनकी गाड़ी पेड़ में टूक जाती है और उनके एट अ टाइम डेथ हो जाती है। भाई जाना बनता है कि नहीं समझ नहीं आ रहा। कसम खाते तैयार हूँ, मेरी तो दांत फट रही है, मतलब दिल तहता ना धक धक, दांत बोल रही है भद भद भोतली थे। अपनी दान मरा लो, मुझे यही उतार दो। इन महकते लोरों में पता नहीं कौन सी चूल है भाई, मुझे अपने थात भी थाले और थाले, वहाँ पे ये होता है वहाँ पे वो होता है, मेरे तो दान फट रही है। बड़े भोतली वाले जिनके थात में आते हूँ आज, मैं बोल रहा हूँ मुझे उतार दो, तो पीछे से वो भोतली वाले बोल रहा हूँ ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट के पास, ये रहा इंडिया गेट। देखो यार अपने भगवान पे भरोसा रखो, ये चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ होती हैं, बट आप अपने भगवान पे भरोसा रखो, वो चीजें भी आपको कुछ नहीं कहेंगी। आपने वो तावत थुनी आ बैल मुझे मार, इन थालों में चूल है और इन्होंने कहावत को बदल के पता किस तरीके से सुन लिया है, आ बैल मेली मार। भाई अभी अभी बचा है 28 मिनट बस। ये रोड देखो भाई कितनी प्यारी है, एम्बेसी लाइन में आ चुके हैं अभी हम, यहाँ पे सारी एम्बेसीज बनी हुई है। तो भैया मुझे तो रोड ही हॉरर लगना शुरू हो गई यहाँ से भाई, डर लग रहा था काफी, लेकिन अभी हमने जब चीजें देखी तो वहाँ पे भगवान की फोटो भी है, जो भी हमने वीडियो पे देखा यूट्यूब पे, और वहाँ पे शिवलिंग भी रखा है, तो अब इतना डर नहीं है मुझे भाई। इन्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं तूतिया हूँ जो मैं इनके साथ आती आज। हम पता है क्यों आए, ये बदले पीछे वाले था ते तुम्हारा तत्वाय था ये आज। अभी हम बस पहुंचने वाले थे, जल्दबाजी में गलती से एक कट गलत ले लिया, अब यूटर्न वगैरह पता नहीं क्या दिखा रहा गूगल मैप, उसको फॉलो करके पहुंच रहे हैं वहां पे। अभी तो ही दर पर होना शुरू हो गई, अभी तो रास्ता गलत हुआ है। मैं इन तूतियों तो टहलाऊं मत जाओ, लेकिन मेरी तो ही नहीं सुन रहा, मैंने बोला मत जाओ, पीछे से मेरी दुद्दी पे चाता फेंक दिया, अभी तुत्ता दारी में थोकते बचा है।
अभी हमें डाउट ये है कि वहाँ पे हो सकता है पुलिस भी हो जो वहाँ जाने से रोके, क्योंकि ऐसे हॉरर प्लेसेस होते हैं ना, तो रात को पुलिस वहाँ पे बैरियर लगा के रोकती है लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस हो, इन थालो तो रोते और इनकी दांत पे लत मारे वो भी तेल लगाते। अब बचा है 6 मिनट 2.9 किलोमीटर, वो देखो वो लिखा रहा सेक्टर और 7 और 6 के पास पहुंच गए अभी हम। 11:44 हो रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि 12 बजे से पहले टप जाए बस वो जगह, क्योंकि मैंने सुना है 12 बजे के बाद अगर वहाँ पे कुछ ऐसा होगा भी तो उनकी शक्तियाँ और ज्यादा हैवी हो जाती है। भाई ताइज ये क्यों जा रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रोज देखो कैसी होना शुरू हो गई यहाँ से, देखना वहां जाने से पहले कैसा पेड़ दिख गया गाइस पहले से ही एक। भाई ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट अभी हमें उस रोड पे, और मम्मी कसम मेरी हार्ट बीट हो चुकी है तेज। मैं आपको रोड दिखाता हूँ भाई, ये रोड है, सिर्फ एक गाड़ी हमारे आगे चल रही है, अभी चूल खत्म नहीं हो रही है हमें वहां जाने की। अभी ये बोल रहा था वहां पे पेड़ के पास रुकेंगे, और अभी जैसे पहुंचने वाले थे उसने पता है उसने पहला सवाल क्या किया, गेट बंद है ना सारे, सारी खिड़कियां बंद है ना, बस हवा निकल गई साले। भाई तसम से तुझ तो अजीब बोला मिले थली के अंदर, मैं इन्हें तैरू मत जाओ भाई, मिल तो दल लगला भैया, भैया मुझे यही उतार दो, देखो मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। भाई सबसे गंदा सीन ये है कि जिस साइड पे वो मेट्रो स्टेशन है सारी गाड़ियां वहां से सीधे निकली लेफ्ट को ही नहीं जा रही थी, और अब हम आ गए हैं उस रोड पे और हम यहां से होंगे लेफ्ट। भाई ये आ गए हम उस रोड पे, ये चल रही है और देख लो एक बाइक आगे निकली है, इस रोड पे कोई नहीं मुड़ा, क्यों नहीं मुड़ा मैं नहीं जानता भाई, और मेरी फट रही है भाई, और ये रहा मेट्रो स्टेशन देखो सब कुछ सुनसान पड़ा है, अजीब चलता रहे भाई। गाइस ये रहा वो पेड़ में भी, ये घुमा चल, ओए घुमा के चल भाई, अभी दिखाता हूँ पेड़, अब यू टर्न मार रहे हैं, मम्मी कसम मैं ऐसे जानबूझ के नहीं बोल रहा भाई, मैं थोड़ा ज्यादा डरता हूँ, बहुत डर लग रहा है, मैं तसम से तह रहा हूँ अब यू टर्न मारा है, अब उसके फ्रंट से निकलेंगे और निकलते भागेंगे भाई आधे सीधा। भाई ये चलता रहे भाई, चलता रहे धीरे चलियो, पूरा पेड़ गाइस पूरा दुगल आराम से चलियो, कुछ नहीं रोकना कोई भी देख कुछ भी हो रोकनी नहीं गाड़ी, ये ध्यान रखियो बस, चाहे कुछ हो गाड़ी नहीं रोकनी, बस चलता रहे काम किया। ये रहा गाइस वो पेड़ यार दुग्गल दोबारा घुमाइयो, ये देखना गाइस कैसे मुंह पे आया ये चीज एकदम भाई, यहाँ से फ्रंट और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी है, अब ट्राई कर रहे हैं कि अब हम शॉट ले सके उस पेड़ का क्लियरली और आपको दिखा सके, दुग्गल समझ से नहीं आ रहा मुझे, देखो दिख तो ना पेड़ भाई, भाई देखो ये जगह दिख गई आपको, यहाँ से पेड़ है वो, दुग्गल इतनी धीरे मत चल भाई, देख मैं बहुत डरता हूँ, समझ में आई ना, लास्ट बार घुमाई है, इस बार में हमारी चीज में रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, वरना मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। चलता रहे आने वाला है, इस बार रिकॉर्ड करना है मुझे कैसे भी, जो इसका फ्रंट है ना वो तो उस तरफ कोई था पर वो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है। ये आया देखो, ये जो हल्का सा बाहर निकला हुआ है ना, ये क्या। तो गाइस मैंने अपने दोस्त को पकड़ा दिया कैमरा, क्योंकि मेरी साइड से ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा उसका फ्रंट, ये आया पेड़, अब मैं आपको मूर्तियां और शिवलिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, ये देखो ये आया और ये रही वो मूर्तियां, ये शिवलिंग, ये रहा सब कुछ भाई। भाई किस्मत ये थी कि हमने वहां पे 4 राउंड मारे रिकॉर्ड करने के लिए कि आपको भी दिखा सके, 11:59 पे हम निकल गए उस रोड से। भाई ये हो रहा है चूते कह रहा है कि मैंने कुछ नोटिस, रहन दे यार बहनचोद बकचोदी मत करा, बहनचोद गाल मत मारा अपनी, सीधे चल ले तू गाड़ी के अंदर, तो बकचोदी गाड़ी के अंदर है, गाल मत मराओ भाई अपनी, मुझे मत लाया करो भाई, इसको ये है भाई कि मुझे पेड़ के पास कुछ बैठा हुआ दिखा, तो इसको 4 बार में नहीं दिखा, आखिरी बार में दिखा, कह रहा है यू टर्न लेते हैं भाई, ये वहां तूने नोटिस नहीं कराया भाई, चक्कर थी, अरे यार तू गांड मरा भाई मेरे, भाई मुझे वो मतलब नहीं है भाई, प्लीज मत चल भाई, मत चल मुझे उतार दे यहाँ पे, मुझे आइसक्रीम वाले पे रोक दे भाई, मुझे रोक दे मैं नहीं जा पाऊंगा, ले मैं रोक रहा हूं, हां भाई मुझे रोक दे भाई, मैं नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे रोक दे भाई मैं, हां भाई जा तू, मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, जा भाई। जब मैं गुस्सा करके गाड़ी से उतरा तब इसने बोला कि चल छोड़ नहीं जा रहे वापस चल रहे घर। भाई देखो मैं आप लोगों को भी ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो भाई मत जाओ, आप लोग वहाँ किसी हॉरर प्लेस पे गए हो आप लोग वहाँ से निकल गए इजिली बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ दिख रहा है तो भाई वापस मत जाओ, वो सेफ नहीं होता भाई, ये हमारी भी गलती है कि हम हॉरर प्लेस पे आए हैं, हम भी इसलिए कि हमें एक आध गाड़ी दिख गई,
भाई लेकिन ये कह रहा है कि कुछ दिखा है वापस चलो कोई बैठा हो दिखा भाई ऐसे कभी मत जाना आप अपने दोस्तों के साथ भी रहो ये एक बेवकूफी ही होती है भाई। तो दाइस हम उस जगह से आधे निकल गए ये तूतिए डर रहे थे फालतू में देखो मैं कितना चिल बैठा हूँ मुझे डर वर नहीं लगता टॉयलेट कर दिया डर नहीं लगता अबे बात लेते वो तो पानी दे रहा मुझे डर नहीं लगता था इधर तो वहाँ से भी आ रहा है यार अबे गाड़ी गंदी कर दी सारी तुम चूतिया होते थोड़ा सा चुप हो जाओ मुझे डर नहीं लगा था इस बिल्कुल भी दे तो मैं एकदम चिल बैठा हूँ अब तुम वहाँ से निकल भी थे मैं तो वहाँ पे लुका भी था थोड़ी देर झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है भाई ये लोग फालतू में डर रहे थे इन्हें पता है नोनू भाई के साथ आए डर नहीं थी तो बात ही क्या बात है जी एक्टिंग की बादशाह कसम से अरे ये तो गुदगुद ही होती दाइश डरने थी तो ही बात नहीं है तो दाइश खत्म करते इस ब्लॉग तो यहीं पे और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करते जरूर बताना वीडियो तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करते ही जाना चाहे तू छू चाहे लाल बटन तो दबा देना बाय बाय गाड़ी भी साफ कर दियो मैं तर दूंगा यार बाकी सब तो ठीक है बस एक बात समझ नहीं आई मन्नू तो ये डर के मारे अपनी लुल्ली पे क्यों खुजली कर रहा था।